जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले रैली के रूप में कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया और इसके बाद वैभव कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन भरा। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद दिखे। नामांकन भरने के बाद वैभव गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने आमजन को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है, जिसके चलते जनता में आक्रोश व्याप्त है और वे इन सभी सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहली बार सांसद बने थे, उसी सीट से मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूं और तमाम सीनियर नेताओं का और तमाम कार्यकर्ताओं का और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार कि उन्होंने मेरे पक्ष में राय रखी और मुझे आज ये पार्टी हाईकमान ने मौका दिया जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनने के लिए। नहीं, बहुत अच्छे संकेत हैं, जो जनता का आशीर्वाद, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, जो युवाओं का प्यार, जनता का समर्थन, उसको देख के बहुत खुशी हो रही है और निश्चित तौर पर जीत मेरी है।